हेलो बच्चों, वेलकम टू अमेजोन एकेडमी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आई एम ऑडिबल विजिबल। हेलो दीपक, कैसे हैं आप? आ रही मेरी आवाज़ सभी को? क्या हाल चाल सभी के यार? तो स्वागत है सभी का बहुत दिनों के बाद फिजिक्स के सेशन में। आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्प्रिंग बैलेंस, वेइंग मशीन, सूडो फोर्स। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा गाइज। सो माई नेम इज़ आशीष गुप्ता एंड आई डिड माई बी टेक फ्रॉम IIT बॉम्बे। मैंने अपना जो बच्चों जेई का एग्ज़ाम था वो दिया था 17 साल पहले, 2005 में, एंड गॉट गुड मार्क्स इन रैंक। एंड आई बीन टीचिंग फिजिक्स फॉर ऑलमोस्ट 10+ ईयर्स नाउ। 11 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं बिफोर ज्वाइनिंग अमेजोन। एंड इनफैक्ट आई हैव ज्वाइन अमेजोन अकेडमी अराउंड 2 ईयर्स बैक। इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी इन टीचिंग किड्स इन द ऑनलाइन स्पेस। अब बच्चों घमंड किसी बात करिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मी। ओके, सबसे ज़रूरी बात यही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे हम, ठीक है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है ना? जैसे कि आपने टॉपिक में भी देखा, हेडिंग में जो लिखी हैं चीज़ें, कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन, स्प्रिंग बैलेंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एंड सूडो फोर्स, इनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं, है ना? तो बड़ा ही यूनिक सा पार्ट है ये, सेगमेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है ना? इसको समझ लें अपन ढंग से एक बार तो सवाल बन जाते हैं, उसके बाद इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है? तो ऑल रेडी गाइज, ऑल एक्साइटेड? जो जो लाइव है तुरंत मैसेज करें। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन फर्स्ट। ओके, तो वेइंग मशीन क्या मेजर करता है गाइज, बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। डज इट मेजर मास? डज इट मेजर वेट? वॉट डू यू थिंक? वॉट इज दी रोल ऑफ वेइंग मशीन ओवर हेयर? क्या मेजर करता है ये, तो बता सकता है मुझे? हाँ, वेइंग मशीन, वॉट डज इट मेजर? डज इट मेजर मास और डज इट मेजर वेट? जरा बताएं क्या कैलकुलेट करता है। हाँ आप सभी बच्चों ने कभी ना कभी अपना वेइंग मशीन पे रीडिंग डेफिनेटली लिया होगा, नो डाउट अबाउट इट। और जब आपने रीडिंग देखी होगी गाइस, आपने ज़रूर इन्जॉय किया होगा, है ना? काफ़ी बार जब वजन बढ़ जाता है तो अच्छा लगता है ना? पतले दुबले थे आप बचपन में और अब वजन बढ़ गया आपका, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ज़्यादा वजन हो, कम रीडिंग आती है तो भी अच्छा लगता है, ठीक है? और फिर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा आज की। अगर मान लीजिए आपका वजन कम है और आपको बढ़ाना है, तो आप कैसे बढ़ता हुआ वजन दिखा सकते हैं, जस्ट फॉर फन, ओके? और अगर आपका वजन ज़्यादा है और कम दिखाना है तो भी आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं उनको। बट क्या दिखाता है वो रीडिंग, अगर आप देखो गाइस, तो ऐसा लगता है उस रीडिंग को देखकर, जैसे मान लीजिए आप 60 kg के हैं, है ना? तो ऐसा लगता है अच्छा 60 kg है, तो दैट मीन्स वो मास बता रहा होगा, है ना, कि कितना मास है आपका, करेक्ट? और ऐसा भी कई बच्चों को लगता है कि सर वेइंग मशीन लिखा है तो क्या मेजर करना चाहिए उसको, वेट, तो फिर रीडिंग होनी चाहिए थी न्यूटन में, है ना? तो दैट इज समथिंग विच जनरली यू नो दैट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, कि भाई वेइंग मशीन जो है, जनरली जो थॉट प्रोसेस है वो बता रहा हूँ आपको, जो जनरली सोचते हैं बच्चे कि अगर रीडिंग आपकी न्यूटन में तो इसका मतलब वो वेट बता रहा है, अगर आपकी रीडिंग kg में तो इसका मतलब वो मास बता रहा है, ये जनरल थॉट प्रोसेस रहता है ना? बट मजे की बात है बच्चों, वेइंग मशीन जो है दैट मेजर्स नीदर मास नॉर वेट, ठीक है? वेइंग मशीन का अगर आप कॉन्सेप्ट समझो, तो वेइंग मशीन के बारे में मैं ये लिख सकता हूं, दैट इट मेजर्स नीदर मास नॉर वेट, ठीक है? तो काफी बच्चों को धक्का लगेगा ये देखकर कि सर ये क्या हुआ, है ना? हमें तब तक लगता था कि सर ये तो वेइंग मशीन है तो वेट मेजर करता है, या वेइंग मशीन का यूनिट जो है वो मास में दिखता है, केजी में दिखता है, तो वो मास मेजर कर रहा होगा। बट इसका मतलब ये सर कि वो ना तो वेट मेजर कर रहा है ना ही वो मास मेजर कर रहा है, दैट इज वेरी यूनिक। तो हाँ भाई, ये सत्य है ना? वेइंग मशीन मेजर्स नीदर ना नीदर मास नॉर वेट। तो बच्चों वो क्या मेजर करते हैं मैं आपको बताता हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको देखकर। तो यार यहाँ पे जब आप कॉन्टैक्ट में आते हो वेइंग मशीन के,
ठीक है, तो आप वेइंग मशीन पे क्या एग्जर्ट कर रहे हो, क्या कोई बता सकता है? कैन एनीबडी टेल मी इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन व्हाट आर यू एग्जर्टिंग ऑन द वेइंग मशीन, व्हाट डू यू थिंक, बताइए क्या लगता है? क्या लगता है भाई? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, सोचो भाई, जब आप खड़े हो वेइंग मशीन पर तो आप क्या एग्जर्ट कर रहे हो वेइंग मशीन पे? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट? और अगर वेइंग मशीन देखेगा वो भी रिएक्शन देगा भाई, एक्शन रिएक्शन पेयर है ना? तो यहाँ पर अगर जो मैन है या जो भी बॉय है या आप हो, वो अगर वेइंग मशीन के ऊपर एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहे हो, तो वेइंग मशीन आपके ऊपर क्या लगाएगा? इट विल ऑल्सो एग्जर्ट अ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। यही नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चों इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय द वेइंग मशीन। ये है मंत्रा, ये है इस चीज का एक्चुअल फंडा जो आपको याद रखना है, दैट वेइंग मशीन जो है एक्चुअली मेजर्स इट मेजर्स द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या मेजर करता है बच्चों? ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसमें कि जब भी आपको रीडिंग लेनी है वेइंग मशीन के थ्रू, तो क्या होगा उससे, उसकी वैल्यू क्या होगी? रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज इक्वल टू व्हाट? एन। इज एन इफ रीडिंग इज इन न्यूटन, है ना? एंड दैट इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय जी इफ रीडिंग इज इन केजी। चेक करिए, ठीक है? तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यहां पर वो मेजर करेगा, है ना? और अगर आपकी जो रीडिंग है वो है न्यूटन में, तो इसका मतलब वो जो वेइंग मशीन है वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ही आपको कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है? और अगर आप मास निकाल रहे हो वेइंग मशीन के थ्रू, तो एक तरह से इट्स अ फैक्टर ऑफ एन एंड जी ओवर हियर। अंडरस्टूड? किसी भी प्रकार की दिक्कत किसी को इसमें बताइए, इज इट फाइन, प्लीज चेक, गॉट इट गाइस? बोलो भी, बोलो जल्दी से बोलो। ठीक है, ठीक है, करेक्ट, है ना? तो यहां पे गाइस हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रीडिंग है वो हमें मास के बराबर क्यों दिखती है। अब हम सोचते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए, जनरली आप जब वेइंग मशीन लेते हो गाइस, तो वो वेइंग मशीन रखते हो आप धरती माँ पे, अर्थ के ऊपर, है ना? अर्थ के ऊपर रखते हो और फिर आप इसके ऊपर हो जाते हो खड़े, ठीक है? रेस्ट पे सब, एवरीथिंग इज एट रेस्ट। तो आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहे हो, और वही नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आपके ऊपर भी लग रहा है, तो एन ऊपर लग गया और एम जी नीचे लग गया, है ना? तो रीडिंग जो होगी वेइंग मशीन की वो क्या है? रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय जी, राइट? अब अगर एन एम जी के बराबर ही है, अब आप खड़े हो वेइंग मशीन के ऊपर और आपके पास जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है वो एम जी के बराबर है, तो सिंपली आंसर क्या होगा यहाँ पे? दिस इज गोइंग टू बी एम जी अपॉन जी एंड दैट इज इक्वल टू एम, है ना? अब वो एम क्या है? दैट इज नथिंग बट द मास ऑफ दैट पर्सन, द मास ऑफ दैट बॉडी। बट ये हमें ध्यान रखना कि हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, बट जनरली आप देखते हो, जनरली तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आपका जो वेइंग मशीन है दैट इज एक्चुअली मेजरिंग द मास ऑफ द कंसर्न्ड बॉडी। इज दिस क्लियर? बताइए गाइस, इज इट फाइन, डज इट मेक सेंस, है ना? तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जब आप सपोज छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कभी, तो वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जनरली
उनका वजन सबसे पहले मेजर करते हैं, उनको खड़ा कर देते हैं, तो उस पर मास की वैल्यू दिख जाती है, रीडिंग है, नीडल हिलती है, जो भी जिस तरह का भी सिस्टम है, तो उससे हमें मास पता चल जाता है उस बच्चे का। मान लीजिए कि रेस्ट पे नहीं है वेइंग मशीन, जो कि जनरली आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, बट अगर ऐसा होता तो क्या होता है ना, अगर ऐसा होता तो क्या होता। देखिए क्या होता, व्हाट वी कैन से ओवर हियर गाइस इज दैट इफ वेइंग मशीन इज एक्सेलरेटिंग अगर आपकी वेइंग मशीन बच्चों कर रही है एक्सेलरेट, है ना, तो क्या होगा। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि भाई ये आपका सिस्टम है, ठीक है, ऊपर की तरफ कर रहा है एक्सेलरेशन, करेक्ट, और आपका जो रीडिंग है गाइस वो क्या है, रीडिंग इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय जी, राइट। अब यहां पे एन क्या है, एन यहां पे लग रहा है, नीचे है एम जी, तो आप क्या इक्वेशन लिखोगे इसमें, एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, ओके। तो एन डिवाइड बाई जी का मतलब हो गया दिस कैन बी रिटन एज एम जी प्लस एम ए डिवाइड बाई जी ये आपकी रीडिंग आ जाएगी के जी में, ठीक है, ये आपकी रीडिंग किसमें आ जाएगी, के जी में, क्योंकि यहां पे अपन ने फोर्स को जी से डिवाइड किया, सो ऑब्वियसली द यूनिट इज गोइंग टू बी इन के जी। हाउएवर ये एम के बराबर नहीं आ रही, ये जो वैल्यू है इसमें देखो आप, फैक्टर ऑफ ए बाई जी भी आ रहा है, मतलब अगर आपका मास कम है, पतले दुबले हैं, है ना, बट आपको अपने फ्रेंड्स को या अपने घर वालों को बताना है कि देखो मैं, है ना, दिखता पतला हूँ बट मैं हूँ उतना हल्का नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, एक ऊपर एक्सेलरेट होती हुई लिफ्ट में वेइंग मशीन ले जाओ, है ना, और उस पर खड़े हो जाओ वेइंग मशीन के ऊपर। तो जैसे ही आप खड़े होगे और ऊपर की तरफ लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है, तो आपकी जो रीडिंग होगी गाइस वो आपके मास से थोड़ी सी ज्यादा होगी, है ना, वो ए बाई जी के फैक्टर से ज्यादा हो जाएगी, एंड देयर फोर यू वुड से दैट, देखिए, है ना, जो मैं कह रहा था वो सच था, मेरा एक्चुअली मास ज्यादा है ना, दैट इज अ फन वे, इट्स जस्ट अ फन वे, है ना, डोंट बी वेरी सीरियस अबाउट इट, बट ऐसा कर सकते हो। अब दूसरा भी केस ले सकते हैं इसमें अपन, मान लीजिए लिफ्ट जो है वो नीचे एक्सेलरेट कर रही होती, ठीक है, अगर वो नीचे एक्सेलरेट कर रही होती तो क्या होता। तो देखिए बच्चों, इसमें रीडिंग जो होगी एन डिवाइड बाय जी, और एन क्या है, इस बार एन देखें, नीचे की तरफ जा रहा है वो, तो आ जाएगा एम जी, इधर इसके नीचे, एन विल बी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, राइट। सो रीडिंग हो जाएगी इसमें एम जी माइनस एम ए डिवाइड बाय जी एंड दैट रीडिंग विल बी इक्वल टू एम इन टू वन माइनस ए डिवाइड बाई जी, दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू, इज दिस करेक्ट। और ये वैल्यू होगी अपना ए जी में, ठीक है, ये वैल्यू होगी अपना के जी में, इज दिस क्लियर, प्लीज चेक गाइज, एनी डाउट, सही है। देखो भाई अब मजे की चीज है, दैट इफ दिस इफ अगर ये जो लिफ्ट है ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और ये फ्री फॉल से एक्सेलरेट करने लग गया नीचे की तरफ जी, है ना, इस वैल्यू से, तो क्या होगा,
इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स विद फ्री फॉल, अगर फ्री फॉल एक्सेलरेशन होने लग गया, ए विल बी इक्वल टू जी डाउनवर्ड, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, एन अपना हो जाएगा, इनफैक्ट मैं उसमें ही ए को जी पुट कर दूं, जो आपका रीडिंग ऑफ विंग मशीन है ना, अभी जो फॉर्मूला अपन निकाला, तो उसमें क्या आएगा, रीडिंग आ जाएगी आपकी जीरो, एंड देयरफॉर इसका मतलब ये हो गया गाइस कि ये जो है वेटलेसनेस की कंडीशन है ना, वेटलेसनेस क्या होता है, जिसमें आपको रीडिंग जीरो मिलती है ना, दैट इज नथिंग बट दिस इज द कंडीशन फॉर वेटलेसनेस, ठीक है, प्लीज चेक गाइस, इज दिस क्लियर, एनी डाउट बताइए, ऑल गुड। इसमें एक पुराने जमाने की यूनिट भी ऐड कर सकते हो आप इंफॉर्मेशन में, दैट इज कॉल्ड केजीएफ, है ना, तो 1 KGF इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ओके, तो 9.8 न्यूटन के बराबर, मतलब एक तरह से आप ऐसे ही बोल सकते हो 1 किलो में कितना फोर्स है ना, तो मास इज 1 kg और जी जो है 9.8 है, तो आप बोल सकते हो 1 KGF इज बेसिकली इक्वलेंट टू 9.8 न्यूटन ओवर हियर, करेक्ट, is it fine, please check, any doubt, ठीक है, चलिए तो इस पे कुछ questions करते हैं, बताइए, try करिए यार, interesting question guys, करके देखो, क्या लग रहा है बताएं, फिर राज जो है वो वेइंग मशीन पर फिक्स्ड है और ये वेइंग मशीन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इंक्लाइंड प्लेन से नीचे जा रही है, तो आपको बताना व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, सोचिए भाई जो मैंने आपको फंडा बताया, सिंपली आपको बताना है कि वेइंग मशीन पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है, अगर आपने वो मैनेज कर लिया तो बड़े आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, करो भाई, देखिए अगर आप ऑब्जर्व करें इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो श्योरली इसका एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर इसका एक्सेलरेशन हो भी गाइस तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ही लग रहा है, इजंट इट, है ना, और यहाँ पे आप देखो तो फोर्स जो लगेगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, तो वो कौन सा फोर्स है, वो है mg cos थीटा का,
सो कैन आई से दैट इस केस में आपको जो नॉर्मल है दैट इज सिंपली इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है ना, और आपको जो रीडिंग होगा इसमें वेग मशीन का अगर आप रीडिंग ले रहे हो केजी में तो वो होगा एन डिवाइड बाई जी एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट एम कॉस थीटा, प्लीज चेक गाइस है ना, ये केजी में आ जाएगा। अगर आप न्यूटन में लिखना चाहो तो वो एम जी कॉस थीटा आ गया, दोनों में से कोई भी आप बता सकते हो। यूनिट आपको ध्यान रखनी है कि भाई दोनों में आप दे सकते हो आंसर, इट्स नॉट रॉन्ग कि अगर आप बोल दो कि भाई इतना केजी है तो कोई गलत बोल देगा, नहीं ऐसा नहीं है, इतना केजी बोलना भी सही है। और आप न्यूटन में देना चाहते हो तो एम जी कॉस थीटा इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज ट्राई, देखिए केजीएफ मैंने वही पुरानी वाली यूनिट है वही है ना, 1 किलो में कितना फोर्स वाला है ना, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 10 न्यूटन 1 केजीएफ, यू कैन अप्रोक्सीमेटली यूज एज 10 न्यूटन। ठीक है, देखिए गाइज यहाँ पे लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है बाय ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द रीडिंग ऑफ वेग मशीन इज दिस मच, ठीक है। तो आपको पता है कि मैंने जब बताया था आपको जब ऊपर जा रही है तो रीडिंग क्या होती है, सो उसमें हम ये लिख सकते हैं दैट रीडिंग इज सिंपली इक्वल टू, इसने केजीएफ यूनिट में दे रखा है ना, तो इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू कैन से दैट एम जी इन टू 1 प्लस ए डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू 72 इंटू जी, व्हाट डू यू से, हाँ है ना, तो ये जी कैंसिल हो गया और मेरे पास इक्वेशन आ गई एम इंटू 1 प्लस ए डिवाइड बाई जी इज 72, सो दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद है लिफ्ट इज गोइंग डाउन बाय ए रीडिंग ऑफ विंग मशीन इज 48, तो इसमें आ जाएगा मेरे पास ये फर्स्ट हो गया, सेकंड में आ जाएगा रीडिंग 1 माइनस ए डिवाइड बाय जी 48 जी, तो जी और जी कैंसिल हो गया है ना, तो बन जाएगा मेरे पास एम इंटू
वन माइनस ए डिवाइड बाई जी इज 48, इज दिस करेक्ट? कोई डाउट? डिवाइड कर दें दोनों को। हाँ, जो जो बच्चे लाइव आ रहे हैं फटाफट मैसेज जरूर कर दें, है ना, एक बार, क्योंकि काफी दिनों बाद देख रहा हूँ मैं आप सबको, तो पता चल जाएगा जो जो बच्चे लाइव है। एंड व्हेन यू डिवाइड दीज टू इक्वेशंस गाइस, व्हाट विल यू गेट? वन डिवाइड बाई टू कर दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2a by g इज इक्वल टू 3 प्लस 3 माइनस 3a by g, सो दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू ए डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ गई 2, है ना, a आ जाएगा अपने पास 2, और एक्चुअल मास पूछा है, एक्सेलरेशन नहीं पूछा था, मास पूछा था, तो अगर आप a की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, g को 10 मान लो, तो आई थिंक आपके पास मास आ जाएगा यहाँ से, m is going to be equal to 60 kg, correct? Please check, is this clear? Any doubt? बताइए, सही है? Got it guys? चलो दूसरे पे चलते हैं। वेइंग मशीन के जैसे एक और बड़ा मजेदार सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस, है ना, शायद आपने देखा भी होगा स्प्रिंग बैलेंस को, उसमें इफ यू रिमेंबर रिकॉल, है ना, तो ऐसा हुक होता है और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, इधर एक मार्किंग सी होती है क्या है, कितना मास है वगैरह वगैरह, ठीक है, करेक्ट? तो इसमें अपन कुछ सिलेंडर वगैरह लगा देते हैं कभी कभी, जैसे कुछ मेजर करना होगी कितना मास है इसका, आई होप यू गाइस कैन रिकॉल, राइट? तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, है ना, इसको कैसे यूज करना चाहते हैं हम, दैट इज वॉट वी विल हैव टू सी। तो गाइस लगा क्या है इसमें, सिंपल सी एक स्प्रिंग है ना, एक स्प्रिंग ही है, और क्या मेजर करता है स्प्रिंग बैलेंस वो हमें देखना है। तो अगर मैं इसमें ऑब्जर्व करूं दैट दिस इज हैविंग सम एक्सटेंशन, जब आपने इसको नीचे लटका दिया तो कुछ एक्सटेंशन है, तो यार ये जो जो भी कनेक्टेड रोप होगी उसमें कुछ टेंशन है, वो टेंशन ही स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। एवरीथिंग इज आइडियल ओवर हेयर, मासलेस चीजें सारी, तो यहाँ आइडियल फोर्सेज में आप बोल सकते हो टेंशन जो है वो हर जगह स्प्रिंग में। और अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी व्हाट एग्जैक्टली इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, तो क्या होगा रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाय जी, जैसे अपन ने वेइंग मशीन में देखा वैसे ही यहां पे आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाय जी, और ये आंसर आपका आ जाएगा इन न्यूटन, इन न्यूटन, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है इस रस्सी में, जो भी कनेक्टिंग रस्सी होगी एंड में, उसके बराबर ही होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज इन दिस सिचुएशन, क्योंकि आपको जनरली यही सब सिचुएशन दिखेंगी, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज टी डिवाइड बाई जी, है ना, टी डिवाइड बाई जी इन न्यूटन, करेक्ट? और दूसरा हमारे पास केस हो जाएगा कि भाई इनफैक्ट दिस इज द आंसर इन केजी, न्यूटन में अपन फिर अलग तरह से इसको लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जी से डिवाइड कर दिया। अगर हमें न्यूटन में चाहिए तो आप लिख सकते हो इसको equal to t, है ना, and t is simply equal to the spring force, okay, please check guys, is this clear, any doubt, check करके बताओ।
करेक्ट। गॉट इट एवरीवन? किसी को दिक्कत? तो गाइज फिर ये मास का चक्कर क्या है फिर से, है ना? मास का चक्कर क्या है? तो उसको अपन यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये अगर किसी सिलेंडर को आप लटका रहे हो, जैसा होता है ना कि गैस सिलेंडर उसका जनरली मास मेजर करने के लिए यूज होता है, तो उसको आपने लटका दिया, तो सर ये तो हमेशा मतलब यू नो क्या मास ही बताएगा रीडिंग, देखते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर इसमें टेंशन ऊपर लग रहा है एंड दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और ये एम जी जो है वो नीचे लग रहा है, तो जो रीडिंग है इस केस में, क्योंकि एक्सेलरेट तो कर नहीं रहा है ना, ये तो रेस्ट पर है, तो वी कैन सिंपली से दैट रीडिंग इज इक्वल टू एम जी, है ना? अगर ये न्यूटन में है तो रीडिंग विल बी एम जी, और अगर आपका केजी में है तो रीडिंग क्या हो जाएगा? एम जी डिवाइड बाई जी, दैट इज सिंपली गोइंग टू बी एम ओवर हेयर। सही है? प्लीज चेक गाइस, है ना? तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सी लेट्स सी। एक क्वेश्चन देता हूँ और देखते हैं आप में से कितने बच्चे सही आंसर बता पाते हैं, उसका मजा आएगा देखने में। बताइए गाइस, फाइन रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। हेलो रवि, रवि आप कौन सी क्लास में बेटा? आर यू इन ग्रेड 11? कौन सी क्लास में आप? देखो स्प्रिंग बैलेंस जो है ना, वो अपनी स्प्रिंग जो है उसमें उसका टेंशन बोल दो या स्प्रिंग फोर्स बोल दो, उसको मेजर करता है। ठीक है, स्प्रिंग क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है एक तो के, बट यहां पे मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में नहीं बताया, मैं आपको से बता रहा हूँ स्प्रिंग। ओके हाँ ठीक है, फिर तो आपका आप अगर 12th में तो ये पार्ट तो वैसे आपको आना चाहिए, बट कोई नहीं। इसमें क्या है ना, स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं इसको, तो जो रीडिंग होगी स्प्रिंग बैलेंस की वो क्या होगी, जो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स है वो वैल्यू ले लो आप, तो दैट विल बी द आंसर इन न्यूटन। ओके, और अगर आप उसको जी से डिवाइड कर दो, है ना, जो स्प्रिंग का फोर्स है उसको जी से डिवाइड कर दो, तो आपका जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आएगी वो आएगी आपकी केजी में। दैट इज हाउ थिंग्स वर्क ओवर हियर। ठीक है, ओके तो इस केस में बताइए व्हाट इज गोइंग टू बी द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, और ट्राई करो केजी में बताओ, इन केजी। हेलो, क्या लगता है भी आंसर इसका? देखिए स्प्रिंग बैलेंस जो है ना, दैट इज समथिंग विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आपको स्प्रिंग को मैनेज करना आते तो आप बता दोगे इसका आंसर। स्प्रिंग फोर्स इज सिंपली जैसे कनेक्टिंग रोप हो गई, तो जो टेंशन होगा वही स्प्रिंग फोर्स के बराबर है, तो आपको जो टेंशन निकालना है इसमें, तो अगर आपने टेंशन सही से निकाल लिया तो आपका आंसर आ गया। व्हाट डू यू से गाइस? क्या होगा टेंशन इस रस्सी में?
मेन तो आपको टेंशन निकालना है। क्या लगता है बाशी रवि, व्हाट डू यू थिंक? बोलो भाई बोलो, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन ओवर हियर? देखिए यहाँ पे भी 2 किलो का मास रखा है और यहाँ पे भी 2 किलो का मास रखा है, तो दोनों तरफ अगर 2 किलो 2 किलो के मास हैं तो नेचुरल सी बात है कि ये बैलेंस ही करके बैठेंगे। स्प्रिंग तो अपना आइडियल है ही, सो कैन आई से दैट एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पे इन दोनों का वो है 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो टेंशन फोर्स होगा वो नेचुरली 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, है ना? यहाँ पे भी जो टेंशन है वो इसके 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। सो कैन आई से दैट रीडिंग अगर मैं लिखूं एज इक्वल टू टी इन न्यूटन, दैट विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है ना? और दूसरा जो केस है इसमें, आप ये बोल सकते हैं कि रीडिंग जो होगी अगर आपको केजी में निकालें, जैसे उन्होंने केजी में पूछा है, तो रीडिंग इन केजी इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई जी, सो दैट इज गोइंग टू बी 20/10 और ये हो जाएगा आपका 2 kg, करेक्ट? बोलो भाई, इज दिस क्लियर? एनी डाउट? हाँ, इज दिस करेक्ट? ठीक है बच्चों, फाइन। चलिए तो इसमें एक वेरिएशन लाते हैं, है ना? एक वेरिएशन लाता हूँ इसमें, मैं देखते हैं उसके बाद बता पाते हो क्या सही से। सही है रवि, सही है। अब बताओ इस केस में रीडिंग क्या होगी स्प्रिंग बैलेंस की, व्हाट डू यू थिंक रवि? बताइए क्या रीडिंग रहेगी स्प्रिंग बैलेंस की? इस बार भी 2 किलो रहेगी क्या रवि? इस बार 2 किलो इज नॉट द करेक्ट आंसर, ना? 2 तो नहीं होगा इसका आंसर, व्हाट डू यू थिंक? ट्राई करो। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा? वन के जी? नहीं, 1 kg भी गलत है, माइनस कर दिया दोनों को, 3 - 2 1। हाँ ऐसा क्यों भाई? देखिए एक चीज़ तो पक्की है कि ये 3 किलो भारी है 2 किलो से, तो डेफिनेटली 3 kg विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स, तो इसका एक्सेलरेशन ए नीचे होगा और 2 kg वाले का एक्सेलरेशन ए ऊपर होगा। सो ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आप में से कई बच्चों ने ये गड़बड़ कर दिया हो, एक्सेलरेशन नहीं लिया हो, है ना? तो इसका हमें ध्यान रखना है। दिस इज हैविंग अ टेंशन टी ओवर हेयर, यहाँ पे भी टेंशन टी है, इधर आपके पास 30 न्यूटन है, दिस इज 20, करेक्ट? तो अगर मैं इस 3 kg को देखूं, तो फॉर 3 kg आई कैन से दैट 30 - t इज इक्वल टू 3 * 8, है ना? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव,
अच्छा वहां पे मैं देखूं तो T-20 2 into 2 है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन दैट वी हैव, करेक्ट। तो इसमें अगर आप चाहो तो हम डेफिनेटली यहाँ पे टेंशन निकाल सकते हैं, इफ यू जस्ट ऐड दीज टू इक्वेशंस तो आपका 10 = 5 आ जाएगा, तो ए आ जाएगा मेरे पास 2 m/s². हेलो शिवम, क्या हाल चाल बेटा, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं अपन, है ना। तो टी हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 20 + 4, तो ये आ जाएगा 24 N। ओके, और रीडिंग हो जाएगी इसमें, रीडिंग विल बी इक्वल टू टी डिवाइड बाय जी इन के जी, तो दैट इज 24/10, तो दैट इज इक्वल टू 2.4 kg, करेक्ट। प्लीज चेक, ये होगा इसका आंसर, रवि देखो भाई इज इट फाइन, है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई स्प्रिंग फोर्स जो है वो कनेक्टेड रोप है ना के टेंशन के बराबर हो जाएगा। अगर केजी में बता रहे हो तो 2.4 सही है, अगर है ना 24 N इज फाइन फॉर द आंसर इन न्यूटन। हाँ नहीं कोई नहीं, ठीक है शिवम आई अंडरस्टैंड। चलिए तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ गाइस रिगार्डिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा अपने पास सेटअप है। तो स्प्रिंग और रस्सी में एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है, वो भी डिफरेंस यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके ऊपर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस ले पाएंगे। तो देखिए मान लीजिए सपोज वी हैव अ स्प्रिंग और एक लीवर है यहाँ पे जिसमें मैं हाथ घुसा सकता हूँ और इसको मैं खींच सकता हूँ, है ना। तो ये एक सिस्टम सिस्टम है मेरे पास, और एक सिस्टम है रस्सी का, और वहाँ पे मेरे पास एक हैंडल है, और यहाँ पे मैं लीवर में हाथ डाल के और फिर इसको खींच सकता हूँ, दोनों केसेस है मेरे पास। नाउ गाइज अब अगर आप इस सिस्टम को देखो तो इसमें अगर मैं यहाँ पे अपना हाथ डाल के इसको झटका दूँ, झटके से खींचूं, तो ये तो खिंच जाएगा, है ना। स्प्रिंग आई थिंक आप इमेजिन कर सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खींचो आप। बट इसको अगर मैं झटका देके खींचूं तो मेरा हाथ झटक जाएगा, बट दिस स्ट्रिंग वोंट गेट इलोंगेटेड, अज्यूमिंग कि टूट नहीं रही। तो अगर मैं झटका भी दे रहा हूं तो वो एक इम्पल्स दे देगी बट अपने आप को लंबी नहीं होने देगी, क्या बोलते हो यार, करेक्ट। तो ये वाले सिस्टम में आप बोल सकते हो दैट यस रस्सी और स्प्रिंग में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, है ना। सो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर इज दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डिफरेंस, ठीक है, फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन स्प्रिंग फोर्स टेंशन फोर्स कैन ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास स्प्रिंग फोर्स है और टेंशन फोर्स है ना, तो टेंशन फोर्स जो है दैट कैन चेंज इंस्टेंटेनियसली, एकदम से रस्सी का जो टेंशन है वो चेंज हो जाएगा एकदम से, है ना, झटका आप जो भी दे रहे हो देते रहो जो भी करते रहो, बट हाँ मतलब वो वापस से रस्सी आपको झटका दे देगा हाथ को, बट जो स्प्रिंग फोर्स है बच्चों वो झटका नहीं दे सकता, ठीक है। लैगनेस ऑफ स्प्रिंग फोर्स बेटा आप ऐसे बोल सकते हो रवि कि स्प्रिंग फोर्स को अपने आप को चेंज करने में टाइम लगता है, देर इज अ लैग, मतलब कि यार आपने झटका दिया तो स्प्रिंग लंबा होगा इलोंगेट होगा तो उसका फोर्स धीरे धीरे चेंज होगा,
समझ में आ गई बात? इज दिस फाइन? प्लीज चेक गाइस, डज इट मेक सेंस? देखो एक बार जो मैंने लिखा है स्टेटमेंट, इज इट ओके? ठीक है, करेक्ट। तो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी अ क्वेश्चन, करके देखिए, मजा आएगा इसको करने में, प्लीज ट्राई। अभी ये जो सिस्टम है गाइस, ये इक्विलिब्रियम में है, और फिर अगर एकदम से जो रस्सी है बिटवीन ए एंड बी, इसको काट दिया है ना, इस रोप को अगर कट कर दिया, तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑल मासेस क्या होगा। ओके, प्लीज ट्राई। क्या लगता है रवि शिवम, अगर आपने रोप को कट कर दिया, रोप कौन सी रोप? ए बी है ना, दिस रोप इफ यू हैव कट, तो एकदम से जो दो मासेस है एम और टू एम, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दोज मासेस बताइए। क्या लगता है बच्चों, व्हाट डू यू थिंक? देखिए इनिशियल सिस्टम बनाते हैं, इनिशियली क्या था सिस्टम और बाद में क्या था, तो यहां पे हेलो ओमकार, कौन से क्लास में हो बेटा? इलेवेंथ में। तो यहाँ पे यार देखो आप, तो स्प्रिंग फोर्स नीचे लग रहा है 2 mg, खुद का इसका mg लग रहा है, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन समझ में आ रही सबको? कि भाई 2 mg इज एट इक्विलिब्रियम, इट इज एट रेस्ट, वैसे ही mb रेस्ट पर ही है, तो नीचे 2 mg, ऊपर 2 mg, नीचे 3 mg, तो ऊपर भी 3 mg। अब अगर आपने इसको रस्सी को काट दिया, तो एकदम से जो रस्सी में टेंशन है वो हो जाएगा जीरो, भाई क्योंकि रस्सी तो दो पार्ट में हो गया, तो आपने एक तरह से स्लैक कर दिया उस रोप को, तो ऑब्वियसली उसमें टेंशन गायब हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन टू एम एंड 2m ओवर हेयर, नाउ व्हाट विल हैपन टू एम एंड 2m ओवर हेयर? चलो बढ़िया ओमकार, तो जो जो आपकी क्लासेस, अगर आपको पीछे के चैप्टर्स की भी देखने, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, है ना, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड लुक एट द क्लासेस। आज अपन ये जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं, चल रहा है। तो देखो यार टेंशन यहाँ पे जीरो, बट क्या बाकी फोर्स भी जीरो होंगे? अभी जस्ट बताया आपको कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगा, स्प्रिंग फोर्स जो पहले था वही रहेगा, और क्या था स्प्रिंग फोर्स? 2 mg, और यहाँ पे था आपके पास mg, राइट? तो एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पे वो आ जाएगा mg प्लस 2 mg डिवाइडेड बाय m, दैट इज इक्वल टू 3g,
नीचे की तरफ। व्हाट डू यू से गाइस, चेक करो, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ एम, है ना, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ एम। एक्सेलरेशन ऑफ 2m देखते हैं अब, तो 2m के लिए 2mg नीचे लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स अपना अभी भी 2mg रहेगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन है गाइस दैट इज गोइंग टू बी जीरो, करेक्ट, प्लीज चेक, है ना, इसका एक्सेलरेशन रहेगा जीरो क्योंकि इसमें स्प्रिंग फोर्स जो है दैट स्टिल रिमेन सेम, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। नीचे जो 2mg है वो तो रही और नेट फोर्स हो जाएगा इसमें जीरो, सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ 2m मास, राइट। एनी डाउट इन दिस गाइस, बताइए, चमक गया सभी को, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ गया अगर आपके सामने तो यू शुड बी एबल टू मैनेज, यू शुड बी एबल टू गेट द आंसर, शुड नॉट बी अ कंसर्न। अब अपन चलते हैं डिस्कशन ऑफ द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, है ना। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की बात करेंगे, सूडो फोर्स की बात करेंगे, तो उसके ऊपर चलते हैं। तो गाइज, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर द एनालिसिस ऑफ मोशन। तो भाई जो भी मोशन हो रहा है तो उसमें अगर हम कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करते हैं, एक्स वाई जेड क्या चूज कर रहे हो, सपोज मैं ये बोल दूं कि भाई दिस इज एक्स, है ना, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, करेक्ट। तो ये हमारा एक फ्रेम हो गया जिसके थ्रू हम पूरी बॉडी का मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज, मतलब दिस इज व्हाट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज। नाउ ये जो बच्चों हैं ये प्राइमरली वी कैन क्लासिफाई देम इनटू टू टाइप्स, है ना, टू टाइप्स में कौन कौन से आ जाएंगे। सो वी विल हैव इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस विच आर एट रेस्ट, जो कि रेस्ट पर है और दे आर मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली गाइस, आप सोच सकते हो खुद ही दैट रेस्ट, है ना, लिटरल मीनिंग तो रेस्ट का कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई चीज रेस्ट पर कैसे बोलोगे, एब्सोल्यूट रेस्ट पर क्या है, कुछ नहीं। अच्छा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जो है वो भी आप, क्योंकि हर एक चीज जो है अगर वो आप देखोगे एब्सोल्यूट वैल्यू तो कुछ होता ही नहीं, किसी ना किसी के फ्रेम में हम बोल सकते हैं। सो एक्चुअली अगर आप देखो तो इनिशियल फ्रेम कुछ है ही नहीं, है ना। तो अगर मैं अर्थ की बात करूँ, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या अर्थ एक इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है गाइस, तो आपका आंसर होगा नो, अर्थ इज नॉट इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। सो वी कैन से दैट सिंस अर्थ इज एक्सेलरेटिंग, अर्थ इज नॉट इट इज नॉट ए इनिशियल फ्रेम, है ना। हेलो अनुपम, तो इसमें एक बहुत ही मजेदार सी चीज है, बहुत ही मजेदार सा ट्विस्ट है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है गाइस, है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हमने पढ़े भी थे पिछली क्लास में, पढ़ा है हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आर एप्लीकेबल ओनली इन इनर्शियल फ्रेम्स। न्यूटन्स लॉज जो है गाइस दे आर ओनली एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम्स, दे आर नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। आ रही बात समझ में, चेक करो, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल ओनली इन इनर्शियल फ्रेम्स, दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो अपन का जो दूसरा पार्ट है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, नॉन इनिशियल फ्रेम देखेंगे, तो दोज फ्रेम्स विच आर एक्सेलरेटिंग आर नॉन इनिशियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, है ना। तो भाई ये एक तरह से हमारे लिए प्रैक्टिकल सी चीज़ होगी, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी फ्रेम जो है वो अगर रेस्ट पर नहीं तो सारे के सारे जो फ्रेम है सब नॉन इनिशियल के रेलम में आ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। तो बट इसमें खास बात यह है गाइस दैट न्यूटन्स लॉज are not applicable, they are not applicable in they are not applicable in non-inertial frames of reference. तो आपके जो न्यूटन जी के लॉज है वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स में एप्लीकेबल है,
दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन इनिशियल क्लेम्स, करेक्ट। तो फिर हम क्या कर रहे हैं सर? हाँ, फिर हम कैसे, मतलब अर्थ के फ्रेम में तो दबा के लगा ही रहे हैं। इनफैक्ट जो भी आज तक अपने किया है गाइज, हम सब जगह लगा रहे हैं, न्यूटन जी के लॉस अर्थ के फ्रेम में लगा ही रहे हैं, और क्या है ना। तो ये तो सर कैसे मैनेज करेंगे फिर? तो बच्चों ऐसा है कि अर्थ को अगर मैं नॉन इनिशियल फ्रेम मान भी लूँ और उसमें उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस भी कर लूँ, तो भी फॉर्चुनेटली फॉर अस अर्थ की एक्सेलरेशन इतनी ही है कि उससे जो आंसर्स में चेंज आता है हमारे पास वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं आता है, तो हमारा काम चल जाता है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से ओवर हियर इज दैट सिंस ठीक है, सही है अनुपम, ओमकार, रवि, शिवम। तो यार अगर आप अर्थ को एक नॉन इनिशियल फ्रेम मान भी लो और उसके थ्रू आंसर निकालो तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हमें। तो हम क्या कहते हैं, अर्थ का जो फ्रेम है उसको हम इनिशियल फ्रेम मान के उसमें बड़े प्यार से न्यूटन जी के लॉस लगा देते हैं। तब मैं आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता हूँ। नंबर वन, इज अर्थ अ इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? व्हाट विल बी द आंसर गाइस, येस और नो, जल्दी से बताओ। हाँ, इज अर्थ अ इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ऑब्वियसली द आंसर इज नो, नहीं है। आर न्यूटन लॉज एप्लीकेबल इन अर्थ फ्रेम? हेयर द आंसर वुड बी येस, बिकॉज वो लगा के जो भी वेरिएशन आता है ड्यू टू नॉन इनिशियलनेस उससे इतना फर्क हमें नहीं पड़ता, फॉर्चुनेटली। ठीक है, तो हम लगा रहे हैं न्यूटन जी के लॉज, बट ये ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए इस तरह का क्वेश्चन कि क्या अर्थ एक इनिशियल फ्रेम रेफरेंस, द आंसर हैज टू बी नो, इट इज नॉट। ओके, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलो। तो गाइस अगला जो पार्ट है हमारा वो है सूडो फोर्स का, एंड सूडो फोर्स इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। तो सूडो फोर्स क्या है गाइस? ओके, सही है ओमकार, है ना, पहला आंसर तुम्हारा नो बिल्कुल सही है। तो सूडो फोर्स एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है बच्चों जो कि हम यूज करते हैं क्योंकि हमें एक नॉन इनिशियल फ्रेम जो है, जैसे एक एक्सेलरेटिंग लिफ्ट हो गई, लिफ्ट आ रही है ऊपर से नीचे जा रही है एक्सेलरेट करती हुई, तो हमें उसमें न्यूटन जी के लॉज लगाने हैं, बिल्कुल लगाने हैं, मन है मेरा, है ना। तो क्या करूँगा मैं, उसमें एक सूडो फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, सूडो फोर्स का लिख देता हूँ, इट इज इमेजिनरी फोर्स it is an imaginary force to apply Newton's laws in non-inertial frames. तो भाई अगर आप सूडो फोर्स जो है इसका फंडा समझोगे, तो इसमें जब आप सूडो फोर्स लगाते हो तो आप न्यूटन जी के लॉज लगा सकते हो इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। आगे बात समझ में सबको, प्लीज चेक गाइस, इज दिस क्लियर? क्या होता ही है, क्या होता है, सूडो फोर्स कितना होता है? तो सूडो फोर्स जो है इसका फॉर्मूला होता है, नेगेटिव एम इंटू
m into acceleration of non-inertial fin. This is what the formula of pseudo forces. तो इसको अगर मैं vector format देखूँ यहाँ पे, हो जाएगा minus m into this. तो यार direction क्या होगा इसमें? यहाँ पर बिल्कुल रवि ऐसा बोल सकते हो आप कि वो फेल नहीं हुए बट वो उनके लॉज वहां पे एप्लीकेबल ही नहीं है, है ना? वो उन्होंने अपने जो लॉज बनाए गाइस वो एक इनर्शियल फ्रेम के लिए बनाए, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए नहीं बनाए. तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जब आप कोई जैसे लिफ्ट में जाओ, है ना, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाए, ठीक है. आप लिफ्ट में हो, यहाँ मास पड़ा है और आप खड़े हो, है ना, आप मास को देख रहे हो, मास आपको देख रहा है, फिर आप वापस से आपने मास को देखा, मास ने फिर आपको देखा, आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हो, है ना. लिफ्ट को जाने दो ऊपर, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ए है उसका, ठीक है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ए है उसका, तो आप खुश, आपके हिसाब से तो मास जो है वो रेस्ट पर है ना, आप देख रहे हो मास को पड़ा हुआ है, लिफ्ट ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता. बट इसका एफबीडी बनाओ. अभी पीछे अपने वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना, वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि अगर ऊपर जा रहा है और इस तरह से रखा है तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ज्यादा होता है एम जी से, है ना, तो नॉर्मल इस पे लग रहा है एम जी प्लस एम और नीचे इसमें एम जी लग ही रहा है. तो अब आप देखोगे इस, तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा, ये बंदा देखेगा इसका एफबीडी बनाएगा, ये दो फोर्स लगाए, देखा ये तो एम ए फोर्स नेट आ गया, तो ये तो एक्सेलरेट करना चाहिए ए से, है ना, बट उसके हिसाब से तो ये रेस्ट पर है. क्या गड़बड़ हो रही है, व्हाट इज द फ्लॉ इन दिस आर्ग्यूमेंट, देयर इज अ फ्लॉ, व्हाट इज दैट फ्लॉ गाइस, कोई बता सकता है मुझे? बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, कुछ हाईफाई चीज नहीं पूछ रहा मैं, आपका अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहा हूं. तो अगर ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है नीचे एम जी, तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो नहीं है, मतलब दिस ब्लॉक इज गोइंग टू एक्सेलरेट, बट ये ब्लॉक एक्सेलरेट तो कर नहीं रहा. तो गलती यहां पर ये बच्चों कि आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो एंड दिस इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन जी के लॉज आप नहीं लगा सकते अनटिल एंड अनलेस यू अप्लाई अ सूडो फोर्स. आपको सूडो फोर्स यहां पे लगाना पड़ेगा. अब ये सूडो फोर्स कितना होगा, ऊपर जा रहे ए से, ऊपर जा रहे ए से, तो इसका नेगेटिव है ना, ऊपर जा रहा है ऐसे, तो इसका नेगेटिव क्या हो गया, नीचे, ठीक है. तो अगर ये नीचे इसका नेगेटिव वैल्यू है, और मास से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि यहां पे m तो है, यहां पे एक्सेलरेशन a है, सो दिस इज गोइंग टू बी m a, करेक्ट, है ना. तो यहां पे जैसे ही आप लगाओगे यार m a, और नीचे पहले से mg है, अब आप देखो मजा आ गया, mg plus m a ऊपर लग रहा है, mg plus m a नीचे लग रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लड़बड़ हो जाएगा. व्हाट डू यू से गाइस, कैन आई से ओवर हियर? कविचार्ट अगर आप अभी आए हो, आई थिंक आप अभी आए हो क्लास में, तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, है ना, 10 मिनट्स पहले चले जाओ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, थोड़ा आपको पूरी कहानी समझनी पड़ेगी, है ना. आप अभी शुरुआत का पार्ट आपने मिस किया है, तो फर्स्ट गो थ्रू दैट, आई थिंक दैट विल बी, देन इट विल बी क्लियर. तो नीचे का जो फोर्स है गाइस वही ऊपर लग रहा है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो नेट फोर्स है दैट इज जीरो. और अब ये बोल सकता है बंदा, अब सब सही है, एवरीथिंग इज गुड, है ना, करेक्ट गाइस? सोच के देखो, तो जो ऊपर फोर्स लग रहा है वही नीचे फोर्स लग रहा है, एंड देयरफॉर न्यूटन जी के लॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है, करेक्ट, प्लीज चेक, सही है, है ना. जो जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं पिछले 15-20 मिनट से आप सुन रहे हो, तो यार ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा. जब तक आप अर्थ के फ्रेम में हो तब तक कोई समस्या नहीं है, बट अगर आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में चले गए तो आपको सूडो फोर्स पहले लगाना पड़ेगा, फिर आप वो सब करोगे, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तभी लगा सकते हो. गॉट इट? एनी डाउट इन दिस पार्ट? ठीक है गाइस, लगा लोगे आप सूडो फोर्स अपने आप? सूडो फोर्स लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं? हाँ,
अब जैसे मान लो ये जो ट्रैक या कार्ड बोल रहा बच्चों ए से आगे एक्सेलरेट कर रहा है ना, और आप अंदर बैठ के इसको देख रहे हो, ठीक है, करेक्ट। तो अब ऑब्वियसली इट विल गेट टिल्टेड, है ना। तो आपके हिसाब से देखो तो इसमें एमजी नीचे लग रहा है और टेंशन अलोंग दी रोप लग रहा है, जो आप अंदर बैठे के देख रहे हो उसको होते ही ऐसा कुछ दिखेगा। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या हो रहा है, ऐसा तो ये हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि अगर ये ऐसा होगा, टेंशन टेढ़ा लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, तो इन दोनों का नेट फोर्स जीरो होगा ही नहीं। तो दिस कैन नॉट बी एट इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन इन साइड, इजंट इट। तो जो कार्ट के अंदर बैठा है वो कभी भी उसको रेस्ट पे देख ही नहीं सकता इस माहौल में, इस तरह से। सो व्हाट आर वी मिसिंग, क्या बोलना पड़ेगा हमें इसको, है ना। राज ले लेते हैं, इसका नाम राज है, तो मेरे को राज को क्या बोलना पड़ेगा, बेटा अभी आप छोटे हो, है ना, अब आप फिजिक्स सीख रहे हो, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पार्ट में आप एक नॉन इनिशियल फ्रेम में हो, ठीक है, आप एक नॉन इनिशियल फ्रेम में। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो। एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो गए तो आपको यहां पर सबसे पहले अपने भगवान न्यूटन जी को याद करना पड़ेगा, है ना, और यहां पे आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सूडो फोर्स जो है गाइस, एम जी यहां लग रहा है, इधर टेंशन लग रहा है, पीछे की तरफ लगेगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनिशियल फ्रेम इज टूवर्ड्स राइट, तो उसका नेगेटिव मतलब पीछे की तरफ हो गया, मास से मल्टीप्लाई कर दो तो एम ए पीछे आ गया। यस पूर्वेश, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा राज को, ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसे अकेला खाली छोड़ दोगे, हंसोगे उसके ऊपर, उसकी बेइज्जती करोगे, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना, आपको उसकी हेल्प करनी है, तो आप हेल्प करोगे, उसको समझाओगे। तो अगर ये एंगल थीटा है गाइस, यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस एंगल थीटा ओवर हेयर, ओके। तो ये एंगल थीटा हो गया, है ना। अब मैं कंपोनेंट कर लेता हूँ इस टी के, सो दिस इज गोइंग टू बी टी कॉस थीटा, दिस इज टी साइन थीटा, एम जी एंड एम ए, ओके। तो क्या बन जाएगा, इन फ्रेम ऑफ राज, इन फ्रेम ऑफ राज, नाम तो सुना ही होगा वाले का, है ना। तो ये जो एम ए है गाइस, दिस इज द सूडो फोर्स, ये अपना सूडो फोर्स है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखूंगा तो बन जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, डिवाइड करो टैन थीटा आ जाएगा मेरे पास ए डिवाइड बाय जी, ओके। हाँ बिल्कुल रवि, सूडो फोर्स जो होगा दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनिशियल फ्रेम। तो नॉन इनिशियल फ्रेम अगर आपका राइट में है, क्योंकि कार्ड जो है वो राइट में है, तो एक्सेलरेशन मतलब सूडो फोर्स जो आपका वो लेफ्ट में होगा। अच्छा गाइज, जो जो बच्चे लाइव हैं, काफी सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं, तो यार अच्छा लग रहा है क्लास, तो डू लाइक दिस सेशन गाइज, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, है ना, डू स्प्रेड द वर्ड, और अच्छा अच्छा कमेंट लिखो यार। जो जो बच्चे जेन्युइनली पढ़ रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है, जो जिनको मदद मिल रही है इन सेशन से, है ना, तो वो जरूर शेयर करें, मतलब अभी चैट सेक्शन में भी नहीं, बाद में कमेंट्स में भी। आई थिंक मेनी ऑफ यू कीप मैसेजिंग, है ना, तो अच्छा लगता है देखकर। खैर एनी वेज, सो आई होप दिस इज फाइन राइट, प्लीज चेक इज दिस क्लियर। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इस पर ट्राई करिए, ट्राई आउट द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस।
देखिए जो क्वेश्चन है ना गाइस, ये काफ़ी मतलब अगेन इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि इसमें आपको मतलब सूडो फोर्स का यूज़ करा के दिखाता हूँ मैं। वैसे अभी जो रोप वाला कंसर्न केस बताया था वैसे ही था, उसमें भी आप एक FBD बना लो एक नॉन इनिशियल फ्रेम में। यहाँ पे भी हम एक नॉन इनिशियल फ्रेम पे बैठ सकते हैं, ज़रूरी है कि ऐसे हर बार बैठना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो ग्राउंड फ्रेम से भी इक्वेशन बना के आंसर निकाल सकते हो। कभी कभी नॉन इनिशियल फ्रेम से बैठ के देखना ईजी हो जाता है, उससे जल्दी आप इक्वेशन बना लेते हो, सही से बना लेते हो। सो दैट इज़ द ओनली हेल्प वी गेट, बाकी और कोई एडवांटेज नहीं है, है ना। तो अगर मैं इस सिचुएशन में देखूँ, इफ आई सिट ऑन दिस ब्लॉक ओवर हेयर, है ना, तो क्या होगा? सूडो फोर्स पीछे आ जाएगा एमए, ठीक है, एमजी नीचे आ जाएगा, और नॉर्मल तो आपका लग ही रहा है, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा, ओके। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो जीरो, क्योंकि भाई देखो ये लिखा ही है उसमें स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन, तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन, है ना, द एक्सेलरेशन इज जीरो। तो हम ये बोल सकते हैं अगर मैं अलोंग द इंक्लाइन देखूं कॉम्पोनेंट, अलोंग द इंक्लाइन इसका कॉम्पोनेंट आ जाएगा एम ए कॉस थीटा, है ना, दिस विल बी द कॉम्पोनेंट ऑफ एम ए अलोंग द इंक्लाइन, और एम जी का कॉम्पोनेंट आ जाएगा अलोंग द इंक्लाइन एम जी साइन थीटा, करेक्ट। सो आई कैन से ओवर हियर दैट अलोंग द इंक्लाइन एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो ए बराबर आ गया मेरे पास जी टैन थीटा। चेक करिए गाइस, इज दिस क्लियर, प्लीज चेक, करेक्ट बताइए, है ना। तो ये थीटा की जगह अल्फा दे रखा है उन्होंने, तो अल्फा लिख देते हैं, ओके okay, तो जी टैन अल्फा सही है, सिंपल। बट मतलब आना चाहिए आपको, क्योंकि इस पे अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, कोई दिक्कत ना हो आपको, दैट शुड बी दी एम, राइट। अगला सवाल, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, करिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है गाइस, इसको थोड़ा सोचते हैं इसके ऊपर। देखिए एक मास दे रखा है विच इज केप्ट ऑन अ मूवेबल वेज, तो वेज जो है वो हिलडुल सकता है ना, और एक्सेलरेशन दोनों का बताना है, मतलब जब वेज मूव करेगा और ब्लॉक भी मूव कर रहा है, तो दोनों मूव कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, दोनों का एक्सेलरेशन चाहिए। वॉट आई कैन डू अगेन, क्योंकि मैं नॉन इनिशियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहा हूँ, तो हम इस वेज के ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से फिर क्या होगा। सी एक तो हमारा एक्सेलरेशन जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ वेज, है ना, तो वेज का एक्सेलरेशन मैं ए पीछे की तरफ ले लेता हूँ, ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैं ए वन ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वेज नीचे की तरफ, क्योंकि अगर आप वेज के ऊपर बैठे होगा इस, तो ये ब्लॉक आपको नीचे मूव करता हुआ दिखेगा,
इजंट इट, है ना? तो अगर ये नीचे मूव करता हुआ दिखेगा तो इसका एक्सेलरेशन हम a1 ले लेते हैं। तो हम ऐसे बोल देते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू m इज a1 डाउन द इंक्लाइन, करेक्ट? प्लीज चेक करिए, है ना? अब बनाते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सो व्हेन आई लुक एट 2m और m, मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा 2m पर। ये एंगल थीटा है ना, दिस एंगल इज थीटा। तो ये जो फोर्स है गाइस, ये आ जाएगा n sin थीटा, ठीक है? आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, यार थीटा जीरो है तो ये फ्लैट होता ना, तो कोई नॉर्मल का कंपोनेंट आता ही नहीं, नॉर्मल वर्टिकली लगता। तो ऐसे भी अप्रोच किया जा सकता है, उससे जल्दी हो जाता है, थॉट प्रोसेस जल्दी आ जाता है। तो 2m क्योंकि लेफ्ट में एक्सेलरेट कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन का कोई ऐसा यूज है नहीं अपने लिए, तो ये सिंगल फोर्स काम का है और ये a से पीछे जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ n sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2m into a, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, चेक करिए, है ना? अब चलते हैं अपन छोटे m के ऊपर। छोटे m को देखें अगर, तो इसकी कहानी में है ट्विस्ट, काफी सारे ट्विस्ट हैं। जो n है वो लग रहा है, इसमें तो सूडो फोर्स भी लगाना है, क्योंकि आप इस पे देख रहे हो तो ये एक सूडो फोर्स राइट में आएगा, क्योंकि ये खुद लेफ्ट में जा रहा है ना? एक mg है, और इन सब की वजह से एक एक्सेलरेशन a1 डाउन द इंक्लाइन भी है। इज दिस क्लियर गाइस? प्लीज चेक करिए। रवि, पूर्वेश, कवि, ओमकार, अनुपम, है ना? तो यार एक चीज आप ध्यान से देखो इसमें, तो डाउन द इंक्लाइन वाले कंपोनेंट क्या है? डाउन द इंक्लाइन में आपका ma का कॉस थीटा आ जाएगा और mg का साइन थीटा आ जाएगा। सो कैन आई से ma cos theta plus mg sin theta is mass into a1? बोलो भाई, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि इस ब्लॉक पर अगर आप देखोगे ना, तो ma का कंपोनेंट जो नीचे आ रहा है वो आ जाएगा cos थीटा, mg का कंपोनेंट आ जाएगा sin थीटा। नॉर्मल का तो कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल तो खुद ही परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लगेगा, तो नॉर्मल का कोई कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन नहीं आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड इक्वेशन, करेक्ट? तीसरी इक्वेशन कौन सी होगी? तीसरी बनते ही काम खत्म, फिर सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरी इक्वेशन बन जाएगी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, है ना? तो नॉर्मल ये एम ए का कॉस आ गया यहाँ पे, तो साइन बचा, साइन कॉम्पोनेंट कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। तो नॉर्मल प्लस एम ए का साइन कॉम्पोनेंट, और एम जी का कौन सा कॉम्पोनेंट दूसरा लगेगा? कॉस वाला। तो ये बराबर हो जाएगा एम जी का कॉस थीटा, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। बोलो भाई, गॉट इट? हाँ, तो आपके पास यहाँ पे तीन इक्वेशन बन गई, और तीन ही वेरिएबल है। देखो, नॉर्मल वेरिएबल है, ए वेरिएबल है, और a1 वेरिएबल है ना? प्लीज चेक, आपको m 2m दे रखा है, तो m तो कट जाएगा, और थीटा जो है वो 37 डिग्री दे रखा है। सो यू कैन आप सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, यू कैन गेट n, यू कैन गेट a, एंड यू कैन गेट a1। ये तीनों वैल्यूज आपको मिल जाएगी। क्या बोलते हैं यार, इज दिस क्लियर? व्हाट डू यू से गाइस? करेक्ट? तो कैसे हमारे आंसर आ गए? हाँ, क्या इससे m और 2m दोनों का आंसर मिल गया? रवि, व्हाट डू यू थिंक?
इसने पूछा क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, तो क्या दोनों ब्लॉक्स का आंसर आ जाएगा इससे या कुछ करना पड़ेगा और हमें? हाँ भाई देखो, एक्सेलरेशन जो है 2m का वो तो है a, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ 2m जो है उसका तो वैल्यू a है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सही है, बट क्या एक्सेलरेशन ऑफ छोटा m a1, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, इज द एक्सेलरेशन ऑफ छोटा m a1, हाँ या ना? रवि, पूर्वेश, व्हाट डू यू थिंक गाइस? तो इसका जो एक्सेलरेशन है गाइस वो तो आपका ए है एंड दैट इज करेक्ट, एंड व्हाट अबाउट दी एम ओवर हियर, इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू ए वन डाउन द इंक्लाइन एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टू वन। ओके तो आपका इसमें इक्वेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ एम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ टू एम इज ए डाउन द इंक्लाइन। अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ टू एम कितना है, वो ए वन है, सॉरी ये ए वन है, तो ये ए है, तो एक्सेलरेशन ऑफ एम जो है दैट इज ए और ये है आपका टूवर्ड्स लेफ्ट प्लस ए वन और ये है आपका डाउन द इंक्लाइन, मतलब आपको अगर m का एक्सेलरेशन चाहिए गाइस तो आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा, आपको ये बोलना पड़ेगा कि इसका जो एक्सेलरेशन है उसमें a है और इसमें a1 है, दो वेक्टर है, इन दोनों का वेक्टर सम आपको देगा सही आंसर, तो आपको नेट एक्सेलरेशन मिलेगा रूट ऑफ प्लीज चेक गाइस। हाँ ठीक है, करेक्ट, एनी डाउट, समझ में आ गया सबको ये? हाँ रवि, इज इट फाइन? पूर्वेश, कवि, ये था इसमें जो इंटरेस्टिंग वाला पार्ट था कि भाई जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो सिंपली जो अपने वैल्यू निकाल दी सिर्फ वो हो जाएगा, वो इस केस में ट्रू नहीं है। ओके तो एक काम करना, थोड़ा सा सोचना ठंडे दिमाग से, और कल सुबह 9 बजे मेरी एक क्लास है अमेजोन अकेडमी ऐप पर, तो उसमें आ जाना, अगर दिक्कत होगी तो वहां पे मैं फिर से बता दूंगा, एक बार खुद से सोचना ठंडे दिमाग से ना, फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी और सोचना कि ये जो ब्लॉक है एक्चुअली वो सिर्फ नीचे नहीं जा रहा है, वो पीछे भी जा रहा है, इसको प्रैक्टिकली सोचो, तो ये ब्लॉक इसके ऊपर पड़ा है, ये खुद पीछे जा रहा है और ये नीचे तो स्लाइड करेगा ही, तो ये नीचे जाएगा और पीछे भी जाएगा, है ना, नहीं तो ये कॉन्टैक्ट छोड़ देगा अपना, राइट? तो लॉजिकली सोचो तो ये फिट बैठता है कि ऐसा होना तो चाहिए, है ना, तो जस्ट गिव इट अ थॉट एंड वी विल डिस्कस इट टुमारो इन द मॉर्निंग। तो बच्चों ये मैं बताना चाह रहा था कि हमारा जो डिस्कशन है बिफोर फ्रिक्शन वो हमने कर लिया है लॉज ऑफ मोशन में, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे कल सुबह 9 बजे, ठीक है, टुमारो 9 AM अमेजोन अकेडमी ऐप, तो जिन जिन बच्चों ने अपना अकाउंट नहीं बनाया है ना अमेजोन अकेडमी का, तो वो बना लो, आपके अमेजोन शॉपिंग ऐप के क्रेडेंशियल्स ही चल जाएंगे, तो अगर आप डाउनलोड करोगे अमेजोन अकेडमी ऐप तो वो पूछेंगे क्रेडेंशियल्स, तो जस्ट गो थ्रू वो, आप पुराना अपना जो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल सकते हो, आपसे पूछा जाएगा, आपकी प्रोफाइल बनाने को बोला जाएगा, तो आप बना लेना जिस क्लास में आप हो, कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब आ जाएगा, और फिर जैसे ही आप डालोगे JEE 2024 तो फटाक से अपकमिंग सेशंस में मैं आपको दिखने लगूंगा, और सुबह 9 बजे हम मिलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर और कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस और डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो रवि आई होप जो चीज़ मैंने आपको बताई वो क्लियर हो गई होगी, मैंने 2 बार और बता दिया है, तो एक बार आप रिकॉर्डिंग जरूर देखना 9 AM बेटा, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे, ठीक है, AM है, PM नहीं, AM, मॉर्निंग 9 o'clock।
अमेजोन अकेडमी एप्लीकेशन, आप एक बार गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, गूगल प्ले स्टोर पे अमेजोन अकेडमी है ना, इसको आप टाइप करो तो आपको एक बहुत ही शानदार सा ऐप जो है वो दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो एंड जैसे आप उसमें अपना लॉग इन कर लोगे विद दी अमेजोन शॉपिंग ऐप क्रेडेंशियल्स, तो फिर मिलते हैं सुबह। बिल्कुल बिल्कुल कर लो, है ना? ठीक है, तो सुबह 9 बजे आ जाना, मिलते हैं। और इसके ऊपर और भी कुछ पूछना हो, आपको कुछ डिस्कस करना हो, तो वो भी हम कर सकते हैं, वो फ्रीडम रहेगी। मॉर्निंग 9 o'clock, ठीक है? तो मज़ा आया सेशन में गाइज, आई होप यू एन्जॉयड द डिस्कशन एज वेल। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। आई थिंक फॉर यू गाइज, आपके लिए भी सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाई करते रहिए। सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ क्लास अटेंड कर ली उसके बाद कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। प्लीज़ डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, और आगे भी ऐसे सेशंस चलते रहेंगे गाइज। स्ट्रैटेजी सेशंस भी लगाते रहते हैं, आपको दिख रहा होगा बहुत सारे सेशंस चलते रहते हैं, सो उनकी आप मदद ले सकते हो। तो रवि, आप नीट के भी सेशन अटेंड कर सकते हैं, सुबह होते हैं, मॉर्निंग में नीट के सेशंस होते हैं, वहाँ पे आई थिंक अमन सर लेते हैं क्लास फिजिक्स की, और भी मैम्स हैं सर्स हैं ना, तो दे आर डेफिनेटली यू नो रियली गुड टीचर्स फॉर नीट, और उनकी गाइडेंस आप ले सकते हो। ठीक है, राइट गाइज, ऑल गुड, ऑल फाइन, एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू आस्क, किसी कुछ पूछना है क्या बताइए, एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू आस्क गाइज। तो मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो और एफर्ट लगाते रहो, और फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक के लिए गुड नाइट टू सभी को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर भाई, ऑल द बेस्ट, बाय, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।